जनपद रुद्रप्रयाग के नव नियुक्त पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने अपना पदभार ग्रहण करने के बाद आज जनपद के प्रेस प्रतिनिधियों से मुलाकात की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि बाबा केदार की भूमि में मुझे कार्य करने का मौका मिला है। केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था में सुधार लाना उनकी प्राथमिकता रहेगी, साथ ही आपदा से प्रभावित क्षेत्र में पूर्ण तैयारी व सजगता से कार्य करेंगे। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। मुझे बहुत खुशी है कि बाबा केदारनाथ की भूमि पे मुझे काम करने का अवसर मिला, क्योंकि मैं खुद अपना मानता हूँ कि केदारनाथ हो या केदारनाथ को रिलेटेड जो अरेंजमेंट्स है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की इमेज बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो जो यात्रा है और भक्तगण है उनका ट्रैफिक का अरेंजमेंट हो, पैदल रूट का अरेंजमेंट हो, वो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। दूसरी अन्य मुख्यमंत्री के द्वारा या हमारे जो अधिकारी है उनके द्वारा एक महिला सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी चिंता जताई गई है, और मैं उसी को देखते हुए महिला सुरक्षा और इन जनरल सिटीजन सिक्योरिटी है वो मेरी एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। और तीसरी अगर मैं चीज कहूँ तो ये सारी चीजें तभी की जा सकती है जब मेरे अपने कर्मचारियों का मनोबल बहुत अच्छा हो, उनका वेलफेयर हो। तो मेरी अपनी ये भी प्राथमिकता रहेगी, मेरा अपना डिपार्टमेंट, मेरा अपना विभाग एक अच्छे मनोबल के साथ, एक अच्छी फैसिलिटीज के साथ काम करे इसमें। चौथी, एक डिजास्टर हमारे यहाँ आपदाएं जो बोलते हैं वो उसका प्रमाण हमारे यहाँ है, और चूंकि ये जो आने जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण छोटी से छोटी आपदा भी बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करती है। तो जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो कोई भी हानि, जनहानि हो या बाकी हानि हो, वो उसको कम से कम रखते हुए अच्छे से कैसे हम इससे निपटारा कर सकते हैं उस पर भी मेरा फोकस रहेगा।